और हमारा मका को हम बोलता है आप लोग भी अगर इस समाज के साथ में जुड़ा है तो जस्टिफाई कर देना चाहिए, इन लोग के लिए जस्टिस लाना चाहिए, इन लोग को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, उसके लिए फाइट करना चाहिए। आप कभी इस सोसाइटी का साथ में जुड़ के इसके लिए काम करने के लिए लगेगा और आपको डिफेंड करके बैठेगा, उनके लिए आवाज आप बनेगा, उसके लिए गवर्नमेंट को आप बात कर देगा, उसके लिए आप जो सुविधाएं लाना है वो ला देगा, ये लोग आपको ऐसा सोच के बैठेगा और आप वहां पे अपना समाज का सोसाइटी का दूसरा सोसाइटी का काम कर रहा होगा, उसका मतलब इन लोग के लिए आप जस्टिस नहीं कर रहे। अपना समय देना पड़ेगा इसको, अगर समय नहीं दे पाएगा तो दूसरा किसी को जो इसके लिए कॉन्सेंट्रेट करके काम करेगा उसको करने देना है। आप लोग लग गया तो लग गया, इसके लिए लाइफ पर लगना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि इसको आज लीडर बना दिया, हमारा समाज का हमारा सोसाइटी का इसको लीडर बना दिया, कल फिर मतलब वो लीडर ही मतलब हम लोग के लिए काम नहीं करके दूसरा के लिए दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा है। आप लोगों को मैं यूं ही शुरू कर ला करके बताऊंगा, ये दुनिया में इंसान का जो है दो फेलू होता है, एक फेलू में इंसान का सुंदरता को देखता है, उसका हसीन को देखता है, उसका बोल को चाल को देखता है, और एक पे उसी में दुख है सुख है उसको कोई दिखाई नहीं देता, उसी में छुपाया जाता है। तो दोस्तों आज यहां में आने वाला, आज दुनिया अभी जस्ट मेरा एक भाई दुनिया भाई जो है, ये मेरा जो जब हम ईटानगर में सबसे यूथ में काम करना शुरू किया कैपिटल कॉम्प्लेक्स यूथ रिप एसोसिएशन, तब से वो मेरा प्रिंटर्स था, आज तक मेरे साथ में है। तो आज भी हमको यही बोला कि भैया ये दुनिया पैसा बोलता है, हमको अभी जस्ट हाँ सच का ये दुनिया पैसा बोलता है, फिर भी ये पैसा बोलने का जगह में, ये आदमी पावर होने का जगह में, ये आदमी मेन पावर होने का जगह में, ये दुनिया ये जगह है, यहाँ में जिसका पावर है उसका चलता है, जिसका पैसा है उसका चलता है, जिसका राजनीति स्ट्रोंग है इसका चलता है, यहाँ में जो है जो पावर है वो आदमी को खराब खराब वाला चीटिंग जो अच्छा नहीं है, दूसरा जो है कि अच्छा वाला चीटिंग करना चाहिए। जैसे कि हमारे बड़े भैया जो मंच में बैठे हुए हैं, जैसे कि फॉर्मर कुछ स्टूडेंट्स में वगैरह में बहुत सारा काम किया, तो लाइक एग्जाम्पल हम भी उसी तरह से ये बड़े भैया जैसे काम किया, उनको भी एक दिन ऐसा काम करना, ये अच्छा चीटिंग है। लेकिन गलत चीटिंग नहीं लेने को, जैसे कि स्टूडेंट अवेयरनेस टू यू छोटा सा, जैसे कि स्टूडेंट लोग गलत कोई ड्रिंक्स ले रहा है, दारू ले रहा है, गांजा पी रहा है, ये चीज़ को चीटिंग नहीं करना, वो गलत होगा। तो अच्छा चीज़ को हम हमेशा चीटिंग करना चाहिए, और दो प्रकार का जेलेसी होना चाहिए, सॉरी एक प्रकार का जेलेसी अच्छा है, एक प्रकार का खराब है। एक जेलेसी ऐसा होना चाहिए कि हमारा एग्जाम्पल हमारा बड़े भैया अरुणाचल जी, ये बहुत एनर्जेटिक है, यंग है, एक्टिव है, बोल विचार में भी परफेक्ट है, और हमारे जो बड़े भैया गुंजर हैदर जी, हम आपके बारे में भी बहुत सुनते हैं, तो हम इंस्पायर होते हैं आपसे, और दिस इज फर्स्ट टाइम मीट, आपसे भी फर्स्ट टाइम ही मिला, हमारा इनसे भी तो मिलते रहता है, हारी सर हो गया, तो बहुत सारा लोग जो जैसे अभी जिस टाइम राइट नाउ ये हमारा जो सिस्टर है एंकर है जो अच्छा सब बोलता है, तो हम उसको चीटिंग करना चाहिए कि उनका तरह हम बोल सके, उनका तरह हम कुछ कर सके। हमारा जो दिव्यांग जो यूथ अभी जो सोसाइटी जो चला रहा है, इस सोसाइटी के थ्रू हमारा जितने भी हैंडीकैप है उसको हम आगे ले जाए। तो सिचुएशन और समय ऐसे होता है तो क्या करेगा ना, तो ये आज का प्रोग्राम वो है हमारा सोसाइटी। रिसेंटली हम जून 2 को हम ये पोम किया था, पहले नहीं था ये अरुणाचल में, काफ़ी साल हो ही गया ये हमारा सोसाइटी जो पहले हैंडीकैप में था, तो उसका हैंडीकैप का रजिस्ट्रेशन 1995 से हुआ, तो आज तक दिखाई नहीं दिया ऑफिस।